नमस्कार, मैं हूं अंशिका अग्रवाल और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। तो जैसा कि आपको पता है कि आज 31 दिसंबर है और 2020 का आखिरी दिन भी है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, जी हाँ, 11 सिक्सेस हाउस द जोश शो के एक्सपर्ट, जिन्होंने IPL के समय हमारे ऑडियंस को हमें टीम बनाने में, हमारे फैंटेसी ऐप 11 सिक्सेस में टीम बनाकर खूब सारा पैसा कमाने में बहुत मदद की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जावेद जी की। जावेद, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू अंशिका। तो दोस्तों, हम आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि आज 31 दिसंबर को जावेद जी का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे आपको। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि हमें पता है कि दिसंबर में आपका बर्थडे आता है, इनकी जो बेटी है उनका भी बर्थडे दिसंबर में ही आता है, तो कहीं ना कहीं दिसंबर आपके लिए पूरे साल का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण महीना रहता होगा। हाँ बिल्कुल अंशिका, मेरी बेटी का बर्थडे भी दिसंबर में, मेरा भी है, और मेरी जो वेडिंग एनिवर्सरी, जो मेरी शादी है, वो भी दिसंबर में हुई थी। तो दिसंबर से ऐसा कुछ खास रिलेशन है क्या, जो मतलब बर्थडेज, एनिवर्सरीज, एवरीथिंग? हाँ, दिसंबर में सारी चीज़ें कोइंसिडेंसली, क्योंकि फादर का बर्थडे भी 31 दिसंबर, मेरा भी उसी दिन, और जितने भी मेरे जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें वो दिसंबर में ही हुई है। तो ये तो बहुत ही शानदार बात है, क्योंकि न्यू ईयर के साथ साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत ही ज़्यादा ख़ास बात है। अगर हम आपसे पूछें कि जैसे इस साल 2020 काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से बीता है लोगों का, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन, कर्फ्यूज़, तो इस साल का बर्थडे, 2020 का बर्थडे और इससे पहले जब सब कुछ नॉर्मल हुआ करता था, जब मास्क की ज़रूरत नहीं होती थी, कोरोना वायरस जैसी बीमारी नहीं फैली हुई थी, तो उस समय के बर्थडेज और इस साल के बर्थडेज में क्या डिफरेंट लगा आपको? देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंस और जो एक कमी है वो है पार्टीज़ वगैरह नहीं हो पाएगी, क्योंकि टाइम गाइडलाइंस कुछ आ चुकी है। टाइम ऐसा हो चुका है कि रात को 7 बजे तक का ही टाइम गाइडलाइंस है, स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है। तो लेकिन अच्छी चीज़ भी है कि आप अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, और ये मौका भी अच्छा है क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, तो घर में रह के परिवार के साथ न्यू ईयर को अच्छे से सेलिब्रेट करें। पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि काश सब कुछ नॉर्मल होता तो इस साल का बर्थडे भी परिवार के साथ 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 में दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से जाता। तभी मैं ऑप्शन नहीं, तभी मैंने ऐसा कहा कि परिवार के साथ मनाइए, क्योंकि बाहर आप जा नहीं सकते, बाहर पूरा लॉकडाउन है। और ऐसा सच है, क्योंकि देखिए, जितने भी यूथ हैं, जितने भी लड़के हैं या गर्ल्स जो भी हैं, तो उनका एक प्लान बनता है पहले से ही कि 31 दिसंबर पे, न्यू ईयर पे इस डिस्क में जाना है या यहाँ पार्टी करनी है। तो सभी के प्लान अभी तो चौपट हैं। पर देखा जाए तो अभी भी जो काफ़ी लोग हैं जो गोवा घूम रहे हैं, मनाली, कसौल घूम रहे हैं, मालदीव्स जा रहे हैं, तो उनका न्यू ईयर कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहीं डर नहीं दिख रहा कोरोना वायरस का या फिर ऐसा कुछ? हाँ देखिए, अब एक टाइम था कि जिस टाइम पे आपको धीरे धीरे ये चीज़ें पता चलने लगी थी कि वायरस है। आपने देखा, वो शुरुआत में जहाँ कोई पॉजिटिव होता था पूरे एरिया को सील कर दिया जाता था। धीरे 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 एक आदत बन चुकी है लोगों की भी, और हम सभी को अब इसके साथ रहना है, इसके साथ जीना है। तो आराम से जिए और थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। वही है, अब कोरोना वायरस जो है एक न्यू नॉर्मल हो गया है, लोग इसमें शादियां कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप बाहर नहीं जा सकते। अगर बाहर गए तो हो सकता है नए साल में आप जेल में भी मिल सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। अच्छा, अब हम, जैसे आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आपका जो बैकग्राउंड है वो क्रिकेट से पूरा मतलब जुड़ा हुआ है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी महेंद्र सिंह धोनी ने जयपुर में अपनी एक अकेडमी खोली है, तो ये जो अकेडमीज खुल रही हैं कोरोना वायरस के टाइम, इस समय, तो ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल होंगी हमारे जो लोकल जो प्लेयर्स हैं, लोकल जो क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए? देखिए, जो ये बीमारी है, जो ये वायरस है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं होगा जी, उसी को इसमें दिक्कत होने वाली है। और अकेडमीज, स्पोर्ट्स का, किसी भी इंसान का स्पोर्ट्स से जुड़ने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं उसकी फिटनेस ऑटोमेटिकली सही होने लगती है। एक आपका जो डे टू डे रूटीन का जो टाइमिंग है वो चेंज होने लगता है, क्योंकि आप उसमें वर्कआउट कर रहे हैं और आप रनिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज कुछ भी आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें अच्छी है, नई नई अकेडमीज़ खुलना, लोगों को उसमें नई नई प्लेटफॉर्म मिलने के चांसेस रहते हैं, टूर्नामेंट खेलने के चांसेस रहते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि इसका काफ़ी फ़ायदा जो राजस्थान के जो यंगस्टर्स हैं, जो क्रिकेट में सीखना चाहते हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है।
और कहीं ना कहीं हम अगर बात करें तो कोरोना वायरस ने जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको काफ़ी प्रभावित किया है। कई टूर्नामेंट्स हुए जो नहीं हो सके, कैंसिल करने पड़े, तो इसका भी कुछ ना कुछ प्रभाव नेगेटिव पड़ा ही होगा हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो लोकल क्रिकेटर्स हैं उन पर। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस प्लेयर की अंडर 23-19 जो ओवर एज होने वाला है इस साल, तो उसे नुकसान हो चुका है काफ़ी, क्योंकि एक साल उसका निकल चुका है। अब 19 वाले को 23 के लिए खेलना होगा और 23 वाले को रणजी ट्रॉफी के लिए। तो क्रिकेट में काफ़ी लॉस हुआ है और मुझे लगता है कि बीसीसीआई को जहां तक है कि एक साल का रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि ये पूरा साल निकल चुका है। डोमेस्टिक में स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी टूर्नामेंट नहीं हुए, सिर्फ अभी रणजी ट्रॉफी के T20 हुआ है। देखते हैं अच्छे प्लेयर जो हैं वो कंटिन्यू रह पाते हैं या मिल पाते हैं, क्योंकि नुकसान तो बड़ा होने वाला है इसमें। तो जैसा कि हमें पता है कि अभी 10 नवंबर को ही आईपीएल का आखिरी मैच था, लेकिन अभी खबर आ रही है कि आईपीएल फिर से अप्रैल में शुरू होने वाला है। मतलब कि जितना दर्शकों को, क्रिकेट लवर्स को, आईपीएल लवर्स को जितना वेट करना पड़ा था 2020 में आईपीएल के आने का, अब उतना ही वेट उनका कम हो गया है कि अप्रैल में फिर से आईपीएल आने वाला है। बिल्कुल, देखिए अभी ऑक्शन होने वाले हैं प्लेयर्स के, तो एक जो जोश है वो तो फैंस में बना रहने वाला है हमेशा, क्योंकि अभी टूर्नामेंट्स भी चल रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ भी चल रही है, तो उसी के साथ साथ वापस से एक प्रोफेशनल लीग का आ जाना जिसमें पूरा एक डेकोरेशन रहता है, एक माहौल बनता है स्पोर्ट्स का, लोग घर में देख के जो ग्राउंड में जा सकते हैं, तो देखना होगा कि कोविड इस बार रह पाता है तब तक, ऑडियंस की क्या गाइडलाइंस आने वाली है, या फिर इस बार भी मॉक ऑडियंस रहेगी और घर में बैठ के देखना पड़ेगा। देखते हैं इस बार वाले आईपीएल में, शायद लगता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है। हाँ, क्योंकि वैक्सीन भी ऑन द वे दिखती हुई हमें, मतलब दिख रही है कि वैक्सीन भी आने ही वाली है, तो देखना होगा कि इस बार का आईपीएल जो है हम स्टेडियम में बैठ के देख पाएंगे या फिर इस बार फिर से हमें टीवी से ही हमें अपने फेवरेट जो टीम होगी उनको चेयर करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने इस साल हमें बहुत ज़्यादा मदद करी थी हमारे फैंटेसी ऐप 11 Sixes पे टीम बनाने में, तो अगले साल का आपके क्या प्रिडिक्शंस अगर हम अभी जानना चाहें तो? देखिए प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कभी आपने देखा हो कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो एक सीज़न में अच्छे चलें, अगले सीज़न में वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो उन्होंने पिछले वाले पे दी थी। तो पिछले सीज़न को देख कर के हम कभी भी टीम का या प्लेयर का एक अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सा प्लेयर चलने वाला है, कि ऑन द बेसिस ऑफ जो उनका लास्ट मैच या जो टूर्नामेंट हुए, देखना होगा कंटिन्यू फॉर्म में कौन चल रहा है। जो इंटरनेशनल अभी टूर्नामेंट्स चल रहे हैं उसके अंदर कौन सा प्लेयर है जो अच्छी फॉर्म में है और अच्छा स्कोर कर रहा है, उसी से ही हम आइडिया लगा सकते हैं। उसके लिए मैं सभी 11 Sixes के यूज़र्स को बोलूँगा कि आप जितने भी मैचेस हैं बिग बैश के हो, जो सभी मैचेस को आप देखिए, क्योंकि आपको उससे आइडिया लगेगा कि कौन सा प्लेयर कैसी सिचुएशन में कैसा खेलता है। तो मैं तो वेट नहीं कर सकती नेक्स्ट आईपीएल का, क्योंकि मैं फिर से अपनी टीम बनाऊंगी 11 Sixes पे और ढेर सारा पैसा कमाऊंगी। तो अब हमने फॉर्म की बात करी, तो हम अभी जो हमारे मैचेस चल रहे हैं उस पर आते हैं। अजिंक्य रहाणे जो अभी टीम को संभाल रहे हैं, उनकी कैप्टनसी, वो कैप्टन बने हुए हैं अभी, उनकी कैप्टनसी काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है, तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है, 100 भी की है, और टीम के लिए अच्छा स्कोर करना एज ए कैप्टन वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बतौर कप्तान आपको कहीं ना कहीं ये साबित करना पड़ता है कि आप टीम को ज़रूरत पड़ने पे अच्छा स्कोर दे सकते हो, टीम को एक मजबूती दे सकते हो, और वो क्वालिटी रहाणे में है और बहुत अच्छे टेस्ट प्लेयर हैं वो, और बहुत ही जो एक टैलेंट है, जो टेक्निक है बैटिंग की, वो उनकी काबिले तारीफ है। तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बतौर कप्तान भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं और टीम को अच्छे से मैनेज कर रहा है वो। अगर हम कप्तानी की बात करें तो विराट कोहली अभी छुट्टी पर हैं, विराट कोहली छुट्टी पर हैं क्योंकि वो एक मतलब पिता बनने वाले हैं, बहुत जल्दी जनवरी में उनके बेबी होने वाला है उनको और अनुष्का को। लेकिन वही अगर हम टी नटराजन की बात करें तो वो अभी अभी पिता बने हैं और वो मैच छोड़कर नहीं गए, उन्होंने छुट्टी नहीं ली इस चीज़ के लिए, लेकिन विराट कोहली ने छुट्टी ली है। तो क्या वो ये जो सीरीज़ चल रही है, ये जो भी मैचेस हो रहे हैं, उन्हें ये विराट कोहली लाइटली ले रहे हैं या फिर मतलब? और हम आपको ये भी बता दें कि टी नटराजन टॉप 11 में भी नहीं थे, तब भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली कि क्योंकि उनके लिए टीम का खेलना ज़्यादा ज़रूरी दिख रहा था, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वैसे तो ये उनका एक खुद का एक
पर्सनल मैटर है, क्योंकि उन्होंने अगर लीव लिए, पैटर्निटी लीव का अभी आपने देखा हो तो काफ़ी गावस्कर, सुनील गावस्कर का और इनका चल रहा था, काफ़ी ट्रोल भी हुए थे इस पर कि टी नटराजन जो बतौर नेट प्रैक्टिस जो बॉलर होते हैं, जो टीम के साथ जाते हैं सिर्फ प्रैक्टिस करवाने के लिए, तो वहाँ उनका सिलेक्शन हुआ था और उसी सिलेक्शन को सिर्फ प्रैक्टिस को छोड़ कर के ना जाना भी बहुत एक हेड्स ऑफ उनके लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए एक उनके अंदर एक वो लगन देखी गई, उसी का नतीजा हुआ कि उमेश यादव अनफिट हैं अभी और उनकी जगह प्लेइंग 11 में टी नटराजन को जगह मिली, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये बहुत सही भी हुआ है। देखिए किस्मत है और क्रिकेट किसी भी गेम के लिए आप उन्हें जितनी रेस्पेक्ट देंगे उस गेम को, वो गेम आपको उतना ही बायबैक आपको वापस मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि हमने भी देखा है कि अनुष्का शर्मा को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, जबकि कहीं ना कहीं ये सही नहीं है अनुष्का शर्मा को ट्रोल करना। और अगर हम बात करें विराट कोहली ने जो छुट्टी ली उसके बाद अजिंक्य रहाणे कप्तानी संभाल रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमें ये भी समझ में आया कि अजिंक्य रहाणे भी एक अच्छे कप्तान बन सकते हैं टीम के लिए। बिल्कुल अंशिका, देखिए कप्तानी रोहित शर्मा भी अच्छी कर सकते हैं, अजिंक्य रहाणे भी कर सकते हैं, केएल राहुल भी बहुत अच्छी कप्तानी कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी टीम में आपके पास एक ही प्लेयर है जो अच्छी कप्तानी कर सकता है या विराट कोहली ही सिर्फ अच्छे कप्तान है, ऐसा नहीं है। बतौर बल्लेबाज विराट कोहली बहुत अच्छे हैं, कैप्टन के मामले में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आप एक कंट्री की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके पास अच्छे ऑप्शंस रहने चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पे आप चेंजेस भी कर सकें। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि युजवेंद्र चहल की अभी भी शादी हुई है, तो वो तो अपना न्यू ईयर और जो अभी जस्ट शादी हुई है वो तो बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, घूमने गए हैं धनाश्री उनकी जो वाइफ है उनके साथ, और धोनी और साक्षी के साथ उनकी फ़ोटो भी आई थी, तो वो मतलब वो अपना न्यू ईयर जो है वो कहीं वेस्ट नहीं होने दे रहे। देखिए स्पोर्ट्समैन, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं तो उनको घूमने का, फैमिली को टाइम देने का बहुत कम मौका मिल पाता है, और जब उन्हें मौका मिलता है तो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो उस मौके को छोड़े, और अब कोविड है तो आप इंडिया में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप इजीली और आराम से घूम सकें, तो सभी लोगों ने अपनी प्लानिंग्स पहले से करके और उसको उसी अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया है, और अभी तो शायद 31 जनवरी तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी अभी बंद कर दी है, तो कहीं ना कहीं इस बार का जो न्यू ईयर है वो आपको घर में ही मनाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अच्छा, न्यू ईयर की बात आई है तो हमने सुना है कि आप अपना न्यू ईयर किसी नई चीज़ से शुरू करने वाले हैं, आपका कोई म्यूज़िक एल्बम आ रहा है जिसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए न्यू ईयर पे मैंने जो नया साल आने वाला है 2021, तो जनवरी के एंड तक प्लान है कि एक नया वीडियो एल्बम सॉन्ग आ रहा है जो शायद या उम्मीद है कि सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस एक साल में जिन जिन की जितनी भी फीलिंग्स थी अपने, चाहे बेटर हाफ के लिए, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए भी हो, तो उन सब की फीलिंग्स को देखते हुए हमने एक प्लानिंग है, देखिए अब देखते हैं वो लोगों को कैसा लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वो तो एक बार लॉन्च होने के बाद पता चलेगा। मैं ज़रूर देखना चाहूँगी, मैं वेट कर रही हूँ उस एल्बम का। और अच्छा, न्यू ईयर में हर किसी का एक ना एक रेजोल्यूशन होता है कि हम इस साल से ये नया करेंगे, हम इस साल से अपनी जो ये गलत आदतें हैं वो पीछे छोड़कर एक अच्छा इंसान बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इस साल आपका क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है? देखिए न्यू ईयर पे आप, नया साल चालू हो रहा है तो आप ये एक अपने माइंड में अपने एक प्रिंसिपल बना सकते हैं कि आपको थोड़ा एक दिन के अंदर थोड़ा टाइम अपनी फिटनेस के लिए देना चाहिए, क्योंकि अब ऐसी ऐसी बीमारी, ऐसे ऐसे वायरस आ चुके हैं कि आप अगर अंदर से स्ट्रांग हैं तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं, तभी आप फाइट कर पाएंगे, तो अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाने के लिए मुझे लगता है कि सभी लोगों को, क्योंकि मेरा भी यही, मैंने भी यही डिसाइड किया है कि मैं फिटनेस को पूरा ध्यान रखूँगा, अपने डाइट का, खाने का, सोने का टाइम, सभी चीज़ों का ध्यान रखने से आप हर तरीके की बीमारी से बच सकते हैं, तो मेरा तो ये रेजोल्यूशन है इससे। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं 2020 में हमने ये सीखा है कि अगर सेहत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, और
मैं आपको बता दूं कि 2020 ख़त्म हो रहा है आज, 2021 कल से शुरू होने वाला है, तो कोरोना वायरस भी ऐसा हो गया है कि नए साल के साथ साथ मैं भी नया बनने वाला हूँ, मतलब उसके भी नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कोरोना वायरस ने भी वो रेजोल्यूशन बना लिया है कि मैं अब 2021 में मैं भी नया होऊंगा। तो उसी के साथ साथ हमें भी अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। कोरोना वायरस चाहे जितना भी घातक हो, हमें उसका सामना करना पड़ेगा, हमें अपनी इम्यूनिटी को सही करना होगा। तो जावेद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज आपका जन्मदिन है, आप को थोड़ी बहुत पार्टी 7-8 बजे तक जो हमें छूट मिली है तब तक तो हम कर ही सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपसे अलविदा लेते हैं। हम आपको सिंस इंडिपेंडेंस की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। हम आप चाहते हैं कि आपका नया साल मंगलमय हो और खुशियों से भरा हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।